नमस्कार, एमसीएन पाठशाला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। आज हम जो राजनीति विज्ञान है या भारत के संविधान है या राज्य व्यवस्था से है, उससे हटकर जो है आज इस एमसीएन पाठशाला में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम आज का जो विषय है वो है करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो आज के जो परिवेश के अंदर खासकर जो पेरेंट्स है या जो स्टूडेंट्स है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके क्या दायित्व है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो एक स्टूडेंट है उसको एक सक्सेस होने के लिए जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ कौन सी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज के समय में है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जो है हज़ारों स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, तो उनकी जो उनके से उनसे जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को मिलती है। तो जहाँ तक जो स्टूडेंट की या जो आज के यूथ की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जो नशा के जो शिकार है आज के यूथ। तो सबसे पहले जो है हमें जो है हमारे यूथ को जो है नशा से बाहर निकालना है और इन चीज़ों से दूर रखना है। तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमें जो है देखने को मिलता है आए दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से जो नशे के जो शिकार है जो युवा है वो जो है मॉडर्न जो सिंथेटिक जो ड्रग्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है पूरा का पूरा जीवन जो है उनका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें जो जो पेरेंट्स है या जो बड़े घर के जो बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है एक प्रॉपर एक पॉजिटिव सेंस में उनको चैनलाइज करने की आवश्यकता है, कि उनको हमें जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के देकर जो है उसे कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जब स्टूडेंट स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा तो वो जो है उन चीज़ों पे जो है ज़्यादा जो है उसकी तरफ जो है आकर्षित नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो जो युवा है या जो स्टूडेंट है उनको जो स्पोर्ट्स के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है उनमें इंडल्ज करने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से जो आज के समय में म्यूज़िक है उस पर जो है उनको म्यूज़िक के क्षेत्र में जो है उनको हम भेज सकते हैं, या स्पोर्ट्स या एथलेटिक के जो क्षेत्र में है उनको भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अननेसेसरी जो पॉकेट जो मनी है वो उनको नहीं देना चाहिए, और जो स्टूडेंट है या यूथ है उनको जो है जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। जिसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आज के समय में गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रशासन की तरफ से बहुत सारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें जो कैसे हम अपने जो युवा है या स्टूडेंट्स है उनको इन चीज़ों से दूर रखें, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उस पर जो ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि पेरेंट्स इन चीज़ों को मना करते हैं, कि उनको खेलने कूदने में मना करते हैं या स्पोर्ट्स के या म्यूज़िक के क्षेत्र में जाने से मना करते, तो वो मेरा जो ओपिनियन है वो बेहतर नहीं है। क्योंकि हमें जो है स्पोर्ट्स की तरफ जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनको फिज़िकली जो फिटनेस है फिज़िकली वो फिट रहेंगे, तो और इसी के साथ साथ जो है मेंटली वो फिट रहेंगे। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो आज के यूथ में जो देखने को मिलता है वो है करियर जो है ओरिएंटेड नहीं है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है जो रूरल एरियाज़ के अंदर है वो, और दूसरी तरफ जो अर्बन एरियाज़ के अंदर है वो ज़्यादा जो है करियर ओरिएंटेड नहीं है। तो उनको जो है उनको मोटिवेट और जो है उनको जो है कहीं ना कहीं जो है उनको करने की आवश्यकता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, हम फॉर्मल एजुकेशन तो दे रहे हैं स्टूडेंट को, परंतु इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं ना कहीं लेक ऑफ हो रही है। तो इसके लिए हमें जो है इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो भी देना आवश्यक है,
ज़्यादातर आज का जो सोसाइटी है, सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनके साथ भी टाइम जो है ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, तो इसलिए इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें जो है अपने दादा दादी या नाना नानी है उनके साथ भी जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि उनको जो है हालांकि एजुकेटेड ना हो परंतु उनको जो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उनको जीवन का जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जीवन में जो है उनको तजुर्बा होने के नाते जो स्टूडेंट या जो हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे जो है नॉलेज इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो गेन कर सकते हैं कि जीवन में जो है उसको बेहतर कैसे बनाएं, और साथ ही साथ जो जो विभिन्न जो परिस्थितियाँ आएगी तो उन परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, उनसे जो है कैसे निजात पाया जाए, तो ये बहुत आज के समय बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या जो पेरेंट्स है वो बच्चों को कहीं ना कहीं एक मशीन के तौर पे वो काम करवा रही है कि उनको जो है कि ये कह रहे कि आप पढ़िए, ये करिए, आप जो है 90% लाइए, है ना, 95% लाइए। उनको जो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है उस पे ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे जो हमारी जो सोसाइटी है वो बेहतर नहीं हो सकती। हम एक सोसाइटी में जो है एक मशीन के रूप में जो है बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो वो जो है मुझे लगता है कि वो बेहतर नहीं है। जिसमें आज के समय में जो यूथ है, जो हमारे जो स्टूडेंट है, उनमें जो मॉरल एथिक्स है उसमें जो है कमी देखने को मिलता है। तो इसमें ये तभी जो है हम बेहतर कर पाएंगे जब उनको हम मॉरल एजुकेशन देंगे और साथ ही साथ जो पेरेंट्स जो है उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें और उनको संस्कार या जो मॉरल जो एथिक्स है उस पर जो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने बुजुर्ग है उनसे कैसे व्यवहार करें, कैसे उनके साथ उनका जो आचरण रहे, या महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज में जो विभिन्न जो वर्ग है उनके साथ उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाए, क्योंकि हम जो है हम जो तभी हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं जिस समाज में हम अपने जो स्टूडेंट हैं उनको बेहतर एजुकेशन दे सके। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको डिग्री तक ही सीमित रखें या जो बुकिश नॉलेज है वहीं तक सीमित रखें, सिर्फ किताब पढ़ के जो है 90% लेके, 95% लेके हम जो है बहुत खुश हो रहे हैं, वो असल में एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब जो जो हमारे जो स्टूडेंट है उनको जो है नॉलेज के साथ साथ समाज में जो किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से उनका जो एटीट्यूड्स है, ओरिएंटेशन है, उनका बिहेवियर है समाज के प्रति कैसा होना चाहिए, वो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के जो यूथ है या आज के जो स्टूडेंट हैं उनमें जो है बहुत कम जो है देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ साथ हमें जो स्टूडेंट को जो है उनको रियलाइजेशन करने की आवश्यकता है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, यूएसए के जो पहले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने जो बच्चे के जो टीचर थे उनको लेटर लिखा था कि उनको ये अपने बच्चों को ये समझाइए कि जो टाइम का वैल्यू क्या है, मनी का वैल्यू क्या है, हर चीज़ का जो वैल्यू है उसके बारे में उनको जो है समझाना आवश्यक है। तो आज के समय में जो स्टूडेंट है उनको ये सारी चीज़ें जो है आपको समझाने की आवश्यकता है, जो पेरेंट्स है, जो बड़े जो घर में जो लोग हैं उनको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि टाइम जो है आज के समय में सबसे वैल्यूबल चीज़ है। आप पैसे कमा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जो है आप टाइम जो है उसको दोबारा जो है आप कलेक्ट नहीं कर सकते, उसको दोबारा जो है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो टाइम का जो वैल्यू है वो हमें जो है अपने स्टूडेंट को समझाना चाहिए कि राइट टाइम में आपको राइट डिसीजन और राइट क्लिक करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ मनी का जो है वैल्यू भी जो है हमें अपने जो बच्चों को उसको बारे उसके महत्व के बारे में बताना आवश्यक है कि जो मनी का क्या वैल्यू है। अननेसेसरी जो पॉकेट मनी है वो बच्चों को ना दे, इससे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उस पर जो है बुरा प्रभाव जो है देखने को मिलता है, क्योंकि हम जो है लगभग हज़ारों स्टूडेंट के बीच में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है
हम देखते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि एथिक्स मॉरलिटीज़ का बहुत कमी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो है टाइम जो है और मनी की जो इम्पोर्टेंस है वो बेहतर नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट, राइट। और इसके साथ साथ जो नेचर है उसके भी इम्पोर्टेंस को बताना आवश्यक है, क्योंकि नेचर अगर जो है हमारा नेचर बेहतर होगा तभी हम जो है बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज के समय में पूरे देश और दुनिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम पॉलिसीज और तमाम बहुत सारे लोग जो है बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को जो है उनको नेचर के जो है इम्पोर्टेंस के बारे में बताना आवश्यक है। आज हिमाचल के अंदर हिमालयन जो पर्वत, हमारा जो हिमालयन जो रेंज है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से आकर जो है यहाँ पर कार्य करते हैं, कचरा उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, हिमालय को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी जो है हमें अपने जो बच्चे हैं उनको उनको सिखाए, उनको बताए कि प्रॉपर जो हमारा जो गार्बेज है वो उसको किस तरह से डिस्पोज करें, किस तरह से जो है हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे जो है आने वाले जो भविष्य पीढ़ी है उसको जो है बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम जो डेवलपिंग जो सोसाइटी के जो कंट्रीज है वहाँ पर कम देखने को मिलता है। जो डेवलप सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो बहुत अवेयर होते हैं बहुत सारे, और वो जो है उनको एथिक्स और टाइम का इम्पोर्टेंस और सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए जो आज की सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें को देखने को मिलता है। और ड्यूल जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसके बारे में भी जो है आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल है और दूसरी तरफ जो है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है। देखा देखी में आज के समय में जो लोग है वो क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं, और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ तो बहुत कम संख्या में देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी स्कूल जो है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ एजुकेशन बेहतर ना हो, या प्राइवेट ही बेहतर है या गवर्नमेंट सेक्टर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बेहतर नहीं है। हालांकि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, और इसके साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि बच्चों पर जो ज़्यादा ध्यान दें। अक्सर जो प्राइवेट स्कूल में जहाँ बच्चे भेजते हैं तो पेरेंट्स भी ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि वो होमवर्क दिया है या नहीं दिया है, और खुद होमवर्क करवाते हैं और टाइम उनको ज़्यादा जो है स्पेंड करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। तो हमें भी अगर सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे भी इतना ही ज़्यादा ध्यान दें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो अपने जो पेरेंट्स हैं वो स्कूलों में जाके जो है या बच्चों से जो होमवर्क है उसके बारे में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है अकाउंटेबल है, आप स्कूल में जाके जो मीटिंग्स होती है वहाँ पर जो है बातें रख सकते हैं, कैसे हम अपने जो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जो सेक्टर के एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरह से बंद हो या बहुत कम स्टूडेंट रहे। तो इसके लिए हमें जो है वो कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें हम जो है अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान दें, और साथ ही साथ जो है जो टीचर्स है या जो एजुकेशन जो है बेहतर नहीं दे पा रहे तो वहाँ पर जो है आप जाके उन सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों में जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से या उसका होना आवश्यक है, हर चीज़ को पॉजिटिव सेंस में ले, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक आज देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है या यूथ है वो उनके अंदर जो एक नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड्स को जो है उसके अंदर जो है रहना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो आप जो है बड़े से बड़े जो कार्य को आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप उसको कैसे लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को हमेशा पॉजिटिव जो है एटीट्यूड सिखाए, पॉजिटिव जो जो बिहेवियर है उनको दे। और इसके साथ जो बच्चों को ना तो पूरी तरह से लिबरल रखे और ना ही पूरी तरह से उनको स्ट्रिक्टनेस रखे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि
आज के समय में बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लिबरल लगते हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखते हैं। तो ये दोनों ही जो है एस्पेक्ट बेहतर नहीं है। तो हमेशा जहाँ आपको लगता है कि लिबरल रखने की आवश्यकता है तो उनको लिबरल जो है वो पेश करें, और जहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता है तो वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम जब पास हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, तो वो जो पुराने जो क्लास के जो बुक्स होती है वो फेंक देते हैं, राइट। तो उसको फेंके ना, आप उसको कलेक्ट करके रखें, आप अपने घरों में रखें, और जब जो है आपको समय मिलता है तो उनको जो है पढ़ते रहिए। क्योंकि आप जो है एक क्लास आगे बढ़े हैं, ना कि जो है आपका जो नॉलेज है वो जो है ख़त्म हो गया है। तो आज के जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज है या अदर जो एग्ज़ाम हैं, उसमें मुख्य रूप से 6 क्लास से लेकर जो +2 तक के एग्ज़ाम हैं उसके जो किताब है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। वो आपका जो बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर करता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट है उनको ये या पेरेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो पुरानी जो बुक्स है वो फेंके ना, उसको जलाए ना, उसको बेचे ना, उसको अपने घरों में रखे, और आप उसको जब समय हो तो उसको ज़रूर पढ़ें। हाँ, और इसके साथ जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको पूरी आप कोई जो एमिनेंट जो पर्सनालिटी है पूरे देश और दुनिया में, जो महान व्यक्तित्व है, उनकी जीवनी को पढ़ना आवश्यक है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे यूथ आइकन हैं, जो APJ अब्दुल कलाम हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़िए, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़िए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन के बारे में पढ़िए, मदर टेरेसा का जीवन के बारे में पढ़िए, भगत सिंह के जीवन के बारे में पढ़िए, टैगोर के जीवन के बारे में पढ़िए। तो इन सारी चीज़ों से आपको जो है आपके व्यक्तित्व में आप जो है उनसे उनसे प्रेरित होकर जो है आप अपने जीवन में जो है बेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने जीवन में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, या जो पेरेंट्स हैं अपने जो बच्चे हैं उनको जो है ये सारी चीज़ें उनको करवाएं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनको जो है कोई नेशनल का जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना आवश्यक है। पूरे जो करंट अफेयर्स से जो है उससे जुड़ा रहना आवश्यक है। उसके लिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसको बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो एडिटोरियल जो पेज होता है न्यूज़पेपर का उसको पढ़ना आवश्यक है। उससे आपको नॉलेज के साथ साथ आपको जो है किसी भी विषय के क्रिटिक्स के बारे में आप जो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और साथ ही साथ अगर टेलीविजन में अगर कोई न्यूज के बारे में अगर करना है, सुना देखना है, तो उसमें डेली न्यूज आप देख सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा टेलीविजन है जो रिकमेंडेशंस है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर जो जो करंट अफेयर है या कोई डिफरेंट जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर डिबेट होता है, तो उसको भी बारीकी से जो है उसको देखने की आवश्यकता है, उसको अंडरस्टूड करने की आवश्यकता है। आप तो राज्यसभा टेलीविजन देख सकते हैं, लोकसभा टेलीविजन देख सकते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण है टेलीविजन है जो हमें जो है देखना चाहिए। और जहाँ तक ये सारी चीजें है एक स्टूडेंट को करना चाहिए अपने बेहतर जीवन के लिए, और आज के इस गल्लाकार प्रतियोगिता में ये सारी चीजें करनी आवश्यक है, तभी जो है स्टूडेंट अपने जीवन में बेस्ट कर पाएगा। और इसके साथ साथ जो जो स्टूडेंट है जो भीड़ है उससे जो है हटकर करे, उससे अलग होकर करे, तभी जो है वो सक्सेस हो सकता है। जहाँ तक करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के बारे में जो आज का जो मुख्य टॉपिक का जो विषय था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, क्या क्या जो है वो अपने करियर बना सकते हैं, किन किन विषयों में करियर बना सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से
जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो विभाग है वो एजुकेशन विभाग है, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक जो टीचर्स है उसके बारे में जो है आप इसमें डिस्कस करेंगे। डिप्टी टीचर है उसके लिए जो है प्लस टू इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, उसके बाद जो है डिप्टी का टेस्ट होता है, उसके बाद जो है 2 वर्ष का जो है ट्रेनिंग होता है, इसके बाद जो है टेट करना आवश्यक है। और टेट का जो जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक परमानेंट उसका जो है वैलिडिटी के रूप में उसको पारित किया है, उसको जो है और दूसरे कार्य जो एक सर्टिफिकेट होता है वो 7 वर्ष के लिए वैलिड होता है, परंतु भारत सरकार ने उसको परमानेंट किया गया है, परमानेंट जो है वैलिड किया गया है, तो उस पर हिमाचल सरकार भी कार्य कर रही है। और इसके साथ जो टीजीटी है, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन का होना आवश्यक है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना आवश्यक है, बीएड के बाद जो टेट का एग्जाम होता है, उसके बाद जो है आप जो है कमीशन दे सकते हैं। और उसके बाद पीजीटी है, पीजीटी जो है इसके लिए पीजी किसी भी विषय में जो है मास्टर्स एमए या एमएससी एमकॉम होना आवश्यक है, उसके बाद जो है इसके लिए टेट हिमाचल में जो है अनिवार्य नहीं है, इसके लिए बीएड होना आवश्यक है, उसके बाद जो है पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ जो कॉलेज जो टीचर्स है जो खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो मास्टर होना चाहिए, मास्टर के साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, या वो क्वालिफाई करना आवश्यक है। इसके साथ या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हर राज्य का अपना जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्लियर करना आवश्यक है, उसके बाद जो है जो स्क्रीन टेस्ट होता है इंटरव्यू होता है, तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होती है। और जहाँ तक विश्वविद्यालय के टीचर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो पीजी होना आवश्यक है और पीजी के साथ नेट सेट होना आवश्यक है, परंतु भारत सरकार ने जो है उसमें भी काफ़ी जो चेंजेस कर रही है, जिसमें आफ्टर 2021 के बाद जो है पीजी का होना आवश्यक किया गया है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है हिमाचल में, और ये हिमाचल स्टेट लेवल की होती है, जिसमें एचएएस एचपीएस और अदर जो सर्विसेज होती है, और दूसरी तरफ यूनियन सर्टिफिकेशन का होता है, जिसमें आईएएस आईपीएस और जो लगभग 20 से 21 तरह की जो अलग अलग सर्विस होती है, वो भी जो है आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आगे जानना चाहते हैं तो वो भी है जो आप कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रीलिम्स होता है, इसमें 3 पार्ट है, इसमें पहला जो प्रीलिम्स होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर इसमें जनरल स्टडी का होता है जिसमें हिमाचल प्रदेश के वर्ल्ड के का होता है, और इसके साथ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर ये सारी तमाम चीज़ें इसमें आती है। इसके साथ ही सेट एग्जाम है जिसमें एप्टीट्यूड होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और रीजनिंग न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश पूछे जाते हैं, और इसके बाद मेंस एग्जाम होता है, मेंस के 8 एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश होता है और कंपल्सरी इंग्लिश होगा और कंपल्सरी हिंदी होगा, इसके साथ एसए होगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जनरल स्टडी के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये एक पैटर्न रहता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके साथ एंटीनायक तहसीलदार जो पोस्ट होती है, जो सब डिवीजन सब हमारा जो तहसील होता है वहाँ पर होता है, और इसके ये हर साल तो सरकार नहीं इसकी नोटिफिकेशन या जो है पोस्ट नहीं निकालती है, लगभग 3-4 वर्ष के बाद जो है ये पोस्ट जो सरकार द्वारा निकाली जाती है। इसमें भी आप करियर बना सकते हैं, जिसमें इसमें प्री होता है और मेंस होता है, प्री में एक ही पेपर होगा जिसमें जनरल स्टडी के सवाल पूछे जाते हैं हिमाचल के वर्ल्ड के, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल साइंस ये तमाम विषय जो है इसमें पूछे जाते हैं, और जो मेंस एग्जाम होता है इसमें जनरल इंग्लिश होता है, ऐसे होता है, हिंदी होता है और जनरल स्टडी होता है, तो इसमें भी जो है आप करियर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एलाइड सर्विसेज होता है, जिसमें जो इंस्पेक्टर फूड इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर होते हैं, इलेक्शन कानून को होते हैं, ये इसकी भी जो है चयन आयोग द्वारा जो है पोस्ट निकाली जाती है, तो इसके भी पैटर्न जो है लगभग समानता के होते हैं। इसके साथ आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एग्जाम होता है, कमांड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आप जो है आफ्टर क्वालिफाई
तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला एग्जाम जनरल स्टडी का होता है और दूसरा एग्जाम मैथ का होता है, तीसरा एग्जाम जो है इंग्लिश का होता है। इसके बाद जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो वो जो है एसएसबी है वो उसे लेके होता है, एसएसबी 4-5 या 1 हफ्ते तक एसएसबी होता है, जिसमें सेलेक्ट हो सेक्शन के बाद सेक्शन के बाद आप सेना नाम के अधिकारी बन सकते हैं। और इसके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसमें एसएसबी एबीपी है सीएसएफ है, उसमें भी असिस्टेंट कमांडर आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है जो यूपीएससी का कंप्यूटर होता है, तो वो भी जो है आप जो है उसमें भी करियर है आप बनाते हैं। और इसके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें सीपीओ एग्जाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, जो एसएससी कंप्यूटर करवाता है उसमें भी आप जो है सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसमें दिल्ली पुलिस भी है और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके भी जो है पोस्टिंग होती है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस सीबीआई है और नॉर्थ जो विभाग है वहाँ पर उसके भी जो है पोस्टिंग करते हैं, तो वो भी जो है आप अपने करियर जो है उसमें बना सकते हैं। और जहाँ तक तो जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो है करियर अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो करियर बना सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट ऑफिसर होता है जो इसकी जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखा गया है, जिसमें प्री और मेंस एग्जाम होता है, इसमें करंट अफेयर के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें जो नेशनलाइज बैंक है वो उसकी भी पोस्ट इसमें होती है, और जो SBI है उसके अंदर जो है रिक्रूटमेंट होती है। इसके साथ जो रूरल जो जो अर्बन जो बैंकिंग है हमारे जो ग्रामीण बैंक है उनके भी जो पोस्ट है आज डी पी एस द्वारा निकाली जाती है, तो उसमें भी जो करियर बनाते हैं। और जो पी ओ है प्रोफेशनल जो ऑफिसर है जिसमें SBI की अलग होती है अलग रिक्रूटमेंट करवाता है, और दूसरी तरफ जो है आई डी पी एस नेशनलाइज बैंक है उसमें भी जो है वो कंडक्ट करवाता है। इसके साथ जो जो ग्रामीण बैंक है उनके भी जो असिस्टेंट मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट होती है वो IBPS द्वारा करवाई जाती है, तो उसमें भी जो है ग्रेजुएशन का होना आवश्यक है, और साथ ही साथ सभी पैटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो मैथ इंग्लिश रीजनिंग और करंट अफेयर रहता है। जिन स्टूडेंट का मैथ इंग्लिश रीजनिंग और करंट अफेयर अच्छा है तो वो जो है इसको बहुत सकते हैं। और जहाँ पर जो हिमाचल जो टूरिज्म सेक्टर है, हिमाचल जो टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर है, यहाँ का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें भी अगर तो करियर बनाना चाहता है तो कॉलेज लेवल पे BA टूरिज्म किस पर पढ़ाई होती है, तो वो लगभग हिमाचल के अंदर 8-10 कॉलेज है वहाँ पर BA टूरिज्म की पढ़ाई होती है, तो वो भी जो है आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ तो BA DTA जो है विश्वविद्यालय द्वारा बेस्ट इन टूरिज्म मैनेजमेंट वो भी जो है आप कर सकते हैं, और मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट वो भी कर सकते हैं, आप जो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो है कर सकते हैं। और इसके साथ जो वोकेशनल जो एजुकेशन है हमारा जो कोर्स है उसके अंदर जो सरकार है आज के समय में शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें महाविद्यालय के अंदर
लिए कोई शॉर्टकट कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, तो उसके लिए आप निरंतर प्रयास करें। निरंतर जो है आप उसके लिए आपको जो आपका गोल है उसके लिए टारगेट उसके ऊपर मेहनत करें। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक मेथड से जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर करते हैं, वो जो है आप जो उसको जीवन में फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस एमसीएन पाठशाला में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से अपने स्टूडेंट अपने जो बच्चे हैं अभिभावक पेरेंट्स है या घर में जो बड़े जो लोग हैं वो किस तरह से उनको जो इनफॉर्मल एजुकेशन और किस तरह से जो उनको वैल्यूज और जो एथिक्स है उनको उन पर ध्यान दें, और साथ ही साथ किन चीज़ों को जो है आप जो है ध्यान दें जिसमें हम जो है अपने जो बच्चे हैं अपने जो स्टूडेंट हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि जो कुम्हार जो बड़ा बनाता है वो उस तरह शेप देता है, एक मूर्तिकार एक पत्थर जो उसको एक मूर्ति का शेप देता है, लगता है कि आप जो है किस तरह से शेप देते हैं अपने बच्चों को, तो आप करता है। तो आज का जो